देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। राज्य ही नहीं देश में स्ट्रीट डॉग की बड़ी समस्या बनी है, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने स्ट्रीट डॉग पर अनूठा प्रयोग किया जो रंग लाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपने डॉग स्क्वाड में देसी नस्ल का कुत्ता शामिल किया है। ये देश का पहला आवारा कुत्ता होगा जो ट्रेनिंग के बाद बेहतरीन स्निफर डॉग बनेगा। राजधानी देहरादून की सड़कों पर आवारा घूम रहे एक कुत्ते को उत्तराखंड पुलिस ने ट्रेनिंग दी और महज 6 माह की ट्रेनिंग में ये कुत्ता विदेशी नस्लों के कुत्तों को भी पछाड़ रहा है, जो आजकल उत्तराखंड पुलिस की शान बना हुआ है। अक्सर गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते आम जनता के लिए सरदर्द बने रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने देश में पहली बार एक प्रयोग किया है जिसमें सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्ते को पुलिस की ट्रेनिंग दी तो वह नामी नस्लों के लाखों रुपए के दाम वाले कुत्तों से कहीं आगे निकला। बताया जा रहा है कि यह कुत्ता पुलिस दल में सबसे फुर्तीला स्निफर बन रहा है। इसकी सूंघने की खूबी को अपनी ताकत बनाया और अपनी डॉग स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। इस स्निफर डॉग का नाम भी पुलिस ने ठेंगा रखा है। वहीं ठेंगा के ट्रेनर इंस्पेक्टर कमलेश का कहना है कि शुरू में ट्रेनिंग में दिक्कतें हुई, लेकिन अब ये अन्य डॉग से भी जल्दी सीख रहा है। चलो अभी तक पुलिस के डॉग स्क्वाड टीम में जर्मन शेफर्ड, लैब्रा, गोल्डन रिट्रीवर जैसे विदेशी नस्ल के कुत्तों को ही रखा जाता था, जिनको ट्रेन कर पुलिस अपनी सुरक्षा एजेंसियों का हिस्सा बनाती थी, जिनको लाखों रुपए में खरीदा जाता था और इनकी ट्रेनिंग और रखरखाव में पुलिस का सालाना लाखों का खर्चा भी आता था। लेकिन ठेंगा, जिसको पुलिस पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग दे रही है, और ये कुत्ता पुलिस ने गली से उठाया था, इसे पालने में भी पुलिस का खर्चा भी बहुत कम आता है। करीब 6 माह के प्रशिक्षण के बाद ठेंगा विदेशी नस्ल के कुत्तों को मात दे रहा है। ठेंगा का यह सफल प्रयोजन नामी नस्ल के कुत्तों के लिए एक सबक है। अगर ठेंगा सही माने में पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम का सदस्य बनता है तो आने वाले दिनों में पुलिस अन्य स्ट्रीट डॉग भी पुलिस के डॉग स्क्वाड टीम में देखने को मिलेंगे। अभी तो इसने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। क्या लगता है ये कोई मिक्स्ड ब्रीड है? इसने तो बहुत मई में तो आया ही था और अभी नवंबर में आपके सामने परफॉर्मेंस हुआ। मेरे विचार से तो इसने बहुत जल्दी पिक किया, बहुत अच्छा पिक किया। आइडिया आया है तो उसमें एक्सपेरिमेंट करने का। हमारे पास डॉग्स की शॉर्टेज थी और जो है नए डॉग्स खरीदने में जो है टाइम लग रहा था, क्योंकि उसमें प्रक्रिया लंबी होती है, काफ़ी फाइल वाइल थी। तो उसी में ये आइडिया है कि एक स्ट्रीट डॉग को ट्रेन करने का ट्राई किया जाए। तो जो हमारे उसके इंचार्ज हैं डॉग स्क्वाड के पंथ, उन्होंने पहले एक इसको पिक किया स्ट्रीट डॉग को और उसको अपने घर पर रखा 1 महीना। तो जब उसे लगा कि थोड़ा सा वो हो गया, तो फिर एक प्रॉपर ट्रेनर है हमारा, कॉन्स्टेबल जो ट्रेनर है, डॉग हैंडलर है, उसको उसके उसमें साथ लगाया, तो फिर रेगुलर ट्रेनिंग दी गई। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया इसने, तो एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट सफल हो गया हमारा। मतलब कंपेरेबल है बिल्कुल, उनसे कम नहीं है। आगे सर क्या रहेगा सर? आगे फिर इस एक्सपेरिमेंट को और अटेम्प्ट करेंगे, दोबारा से बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे।